नमस्ते आंटी। अरे रोहित, अच्छा हुआ बेटा तू मिल गया यहीं। ले तेरा टिफिन। तुझे शर्म नहीं आती ना, रोज रोज फ्री का खाना खाने आ जाता है। अरे यार ऐसे बात करते हैं। अरे बेटा तू इसको छोड़, ये तो ऐसी बोलती रहती है। नहीं माँ, मैं ऐसी नहीं बोल रही हूँ। इतनी मेहनत से मेरी टिफिन सर्विस चला रहे हैं, ऊपर से जितने भी पैसे आते हैं वो सारी मेरी फीस में चले जाते हैं, और आप उनकी भिखारी को रोज रोज फ्री में खाना खिलाती रहती हो। आर्या बेटा उसके माँ बाबा नहीं है, अकेला रहता है वो, पढ़ता है। और देख मैं अगर इसे रोज खाना नहीं खिलाऊंगी ना तो इसे काम करना पड़ेगा मजबूरी में, फिर अपनी पढ़ाई कैसे करेगा। आपको तो समझाना ही बेवकूफी है। खैर छोड़ो, मैं जा रही हूँ टिफिन सर्विस देने। अरे छोड़ उसे, तू खाना खा लेना। बेटा आज मैंने तेरी फेवरेट खीर पूरी बनाई है, ले खा लेना और पूरी फिनिश करना। जी आंटी। क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगा? आंटी वो मुझे। हाँ हाँ बोल बोल, सब ले जा, घर भी ले जा। आर्या कुछ चाहिए? मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए नई किताबें चाहिए, और एग्जाम फीस के लिए कुछ पैसे। देखा माँ कितना चला के, ये खाने से तेरा पेट नहीं भरा ना, जो तुझे पैसे भी चाहिए। मुझे तो लगता है तू नशे करता है। बोल नशे करता है ना तू आर्या? अरे बेटा बस इतनी सी बात, रुक जरा, ये कुछ पैसे हैं, इनसे बात बन जाए तो देख ले। थैंक यू आंटी। इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ, है ना? माँ बहुत भोले हो, और ये तो बाप से पैसे भी ऐंठने लगा है। हमारा खुद का गुजारा इतनी मुश्किल से चलता है, राशन की दुकानों पर कितना उधार है हमारा, फिर आपने इसको भी पाल रखा है। ऐसे बात नहीं करते बेटा, अरे किसी को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है ना? माँ रहने दो, आपसे बात करना ही बेवकूफी है। सर प्लीज, अगर कुछ दिक्कत है खाने में तो बताइए, मैं ठीक कर लूंगी। हमें आपके खाने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम ऑनलाइन मंगा लेंगे। सर थोड़े पैसे कम कर लीजिए, लेकिन ऐसा। सर हेलो, आज भी किसी ने कोई काम नहीं दिया, सब लोगों ने हमसे खाना मंगवाना बंद कर दिया, अब ऑनलाइन मंगवाते हैं। सर अब रोने से क्या फायदा माँ, मैंने कहा था ना मत करो उस रोहित की मदद, हो गया ना गायब वो आपका फायदा उठाकर। अगर उस टाइम कुछ पैसे जोड़ लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। यहाँ एक बार और देख लेते। मैं तुम्हें करता हूँ कॉल। नमस्ते आंटी, पहचाना आपने मुझे? कौन आंटी? मैं रोहित, आप मुझे बचपन में खाना खिलाते थे ना। रोहित अरे तू यहाँ कितना बड़ा हो गया है, एकदम बदल गया है, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। अब क्या चाहिए तुझे, सब तो तूने वैसे बर्बाद कर दिया है। आर्या इसे बोलते हैं बर्बाद, क्या बोल रही है आर्या? अरे बेटा तू तो जानता है ना इसकी आदत है बोलने की, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। माँ बताओ ना उसको सब सच, इसकी वजह से हम सड़क पर आ गए हैं। आंटी देखिए आपके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है प्लीज बताइए मुझे। बेटा पिछले कुछ सालों में लोगों ने ऑनलाइन खाना खरीदना शुरू कर दिया, और जब से ये शुरू हुआ लोगों ने हमसे टिफिन सर्विस लेना लगभग बंद ही कर दिया। कर्जा इतना बढ़ गया कि हमें अपना घर भी बेचना पड़ा, यहाँ वहाँ काम ढूंढने जाते हैं लेकिन कोई हमें काम नहीं देना चाहता। बस इसीलिए आज इस तरफ आए थे कि शायद यहाँ कुछ काम नहीं चाहिए। अरे तू ये सब छोड़ बेटा, अरे तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? आप यहाँ जितने भी कैफेज देख रहे हैं ये सारे कैफेज मेरे हैं। अरे वाह, हमारा रोहित तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आंटी देखिए आज मैं लाइफ में जहाँ कहीं भी हूँ आपकी वजह से हूँ, अगर आपने उस टाइम मुझे खाना ना खिलाया होता, मेरे बुक्स के पैसे ना दिए होते तो शायद आज मैं ये कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। बट मुझे लगता है कि आज आपको गुरु दक्षिणा देने का एकदम ठीक समय है। क्या मतलब? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे इन सभी कैफेज में एज अ हेड शेफ काम करें।
और मेरे बिजनेस पार्टनर भी बन जाएं। सच? I'm really sorry रोहित, मैंने तुम्हें बचपन से लेके अब तक बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया है। कोई बात नहीं।